और अब बात करेंगे महोबा की, जहां बभरौली गांव में बना प्राथमिक स्कूल कूड़ा घर बना हुआ है। यहां पढ़ने वाले नौनिहाल इसी गंदगी के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन ये तस्वीरें शायद जिम्मेदारों को नजर नहीं आती। विद्यालय परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो बगल में जमा नाले का गंदा पानी बीमारियों को दावत दे रहा है। ये बच्चे गंदगी के बीच ही खाना भी खाते हैं, लेकिन जिम्मेदारों के कान पर जू नहीं रही। आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? अच्छा, ये विद्यालय में आज क्या खाया आपने खाने में? रोटी दाल, मैं चरबा काटते हैं और स्कूल में बैठ जाते हैं। अभी कल निकला था यहाँ पर एग्जाम। नहीं, यहाँ कोई सफाई नहीं करा था विद्यालय में? नहीं, सफाई कर्मी आते हैं आपके यहाँ जो साफ? अच्छा, तो यहाँ क्यों नहीं साफ करता है? यहाँ करता पर वहाँ नहीं करता। सर, हमारे हेडमास्टर साहब हैं, उनसे कई बार उच्च अधिकारी को सूचित किया, प्रधान जी से भी बताया, लेकिन प्रधान जी ये कुछ ठोस आश्वासन न दिए। कहा कि पानी भरा है, समस्या है, लेकिन कई बार प्रयोग किया, वो कह रहे नाला जो तालाब बना है उसमें बंधा बन गया, तो पानी नहीं निकला रब का, उसलिए पानी भरा। नहीं, सरकार बच्चों के लिए इतने प्रयास कर रही है, उसके बाद भी आपके विद्यालय के आपको अवगत कराना चाहिए उच्च अधिकारियों से। बताया गया है, सीआरसी से बताया गया है, एबीआरसी भेजा गया, सभी यहाँ सरकारें बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद चिंताजनक दिखाई देती हैं, और बच्चों के मासूम बच्चों के लिए कई योजनाएं, खाना, ड्रेस, किताबें, सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जिम्मेवारों की कार्यप्रणाली व नियत के चलते, बदनीयत के चलते बच्चों के भविष्य के साथ और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विद्यालय के बगल से भरा ये नाला जिसमें गंदा पानी है, इसमें आए दिन मच्छर और अन्य जीव जंतु आकर बच्चों के लिए जो नुकसानदायक है, बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका कितना गहरा असर पड़ेगा, ये जिम्मेवारों को दिखाई नहीं देता। शिक्षा विभाग के जिम्मेवार कान में तेल डालकर और आंखें बंद किए हुए गांधारी बन अपने अपने कार्यालयों में एसी में बैठे हुए हैं, जबकि मासूम बच्चे इस गंदगी से आए दिन दो चार हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। दिलीप वाजपेयी, लाइव टुडे न्यूज, महोबा।